हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यू एंगल के बारे में, यानी कि क्वाड्रिसेप्स एंगल के बारे में। आज की वीडियो में आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि क्वाड्रिसेप्स एंगल क्या होता है, इसको मेजरमेंट हम क्यों करते हैं और इसके मेजरमेंट से हमें क्या पता लगता है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, क्यू एंगल, जिसको कि क्वाड्रिसेप्स एंगल भी कहा जाता है, अब बात करते हैं कि इस एंगल से हमें पता क्या चलता है। दोस्तों, क्यू एंगल यानी कि क्वाड्रिसेप्स एंगल से हमें पता चलता है कि हमारे जो नी का अलाइनमेंट है वो सही है या नहीं है, और साथ ही पटेला की ट्रैकिंग हमें इससे पता चलती है कि हमारा पटेला सही पोजिशन पर है या नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यू एंगल का पता लगाने के लिए हम किस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं और ये कैसे ये एंगल फॉर्म होता है। तो दोस्तों, क्यू एंगल पता करने के लिए आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहे। दोस्तों, जब वो स्ट्रेट लाइन में खड़ा होगा तो उसका जो नी जॉइंट है वो एक्सटेंडेड रहेगा, फुल्ली एक्सटेंडेड कंडीशन में आपका नी जॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे आपके ASIS से सेंटर ऑफ पटेला तक, और दूसरी लाइन ड्रॉ होती है टीबियल ट्यूबरकल से सेंटर ऑफ पटेला तक। इन दोनों के लाइन के मिलने से जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स एंगल और क्यू एंगल। दोस्तों, अगर जिन पेशेंट्स का क्यू एंगल ज़्यादा होता है तो ये माना जाता है कि उसका जो पटेला है वो लेटरली डिस्प्लेस हो गया है। तो लेटरली डिस्प्लेस पटेला का पता चलता है ज़्यादा क्यू एंगल होने से, और साथ ही आपको आप प्रिडिक्ट करते हैं कि वो पेशेंट को पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम हो सकता है या अदर नी जॉइंट की कोई कंडीशन हो सकती है, नी इंस्टेबिलिटी में जाता है अगर क्यू एंगल आपका बड़ा होता है। तो दोस्तों, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट क्यू एंगल से पता लगाते हैं कि आपके जो नी जॉइंट है उसका अलाइनमेंट प्रॉपरली है या नहीं है, और आपका जो पटेला है उसकी ट्रैकिंग वो लोग मेज़र करते हैं इस क्यू एंगल से। दोस्तों, क्यू एंगल एक फैक्टर है जिसको अलग अलग असेसमेंट्स के साथ इंक्लूड करके, साथ ही आपके रेडियोग्राफिक इमेज के स्टडी के साथ क्यू एंगल से भी काफ़ी चीज़ें डॉक्टरों को पता चलती है। तो बेसिकली ये एक फैक्टर है जो आपको नी जॉइंट के अलाइनमेंट के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया क्यू एंगल के बारे में और क्वाड्रिसेप्स एंगल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।